लेकिन एक तरफ तो घर के नीचे से माल ले जा रहे हो और दूसरी तरफ गरीब कह रहे हो, ये दो बातें नहीं चलेगी। ये हमने चैलेंज के साथ कहा। आज ये जो चीज आ रही है, तो मेरा यहाँ सबमिशन है कि आज हर क्षेत्र में घटना घटाने में भी कमा रहे हैं और सोल्यूशन में भी कमा रहे हैं। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, बुरा मत मानना, हमारी जिंदगी खप गई, आप लोगों ने पूरी जिंदगी खपाई हर मुद्दे पर काम करके, आपने कितनी तपस्या की है मैं जानता हूँ, मैं आपके साथ में समय जुड़ा हूँ। आज स्थिति यहाँ पूछ, आज ये एनजीओ मीटिंग कर रहा है, ये एनजीओ मीटिंग कर रहा है, तो सारी उन चालाक कौवे और लोमड़ियों की नजर इस वर्कशॉप पर है कि वहां आदिवासी क्षेत्र से क्या क्या मुद्दा निकल रहा है, क्या आंदोलन की तैयार कर रही है, और वो रिपोर्ट जाएगी आने वाले टाइम में, आपके आंदोलन खत्म करने की साजिश तैयार करते हैं, वो काम चल रहा है। कैसे आज क्यों नहीं एक आदमी काम कर रहा, क्यों कर नहीं पा रहे? एक नया कलेक्टर आता है, आज दलाल इतने पनप गए हैं जिनको समाज का मतलब नहीं है, आदिवासी समाज का भी हो सकता किसी, उसको समाज से मतलब नहीं, गरीब से मतलब नहीं, उसका सिर्फ अपने से मतलब है। अगर कोई जिला कलेक्टर और एसपी आता है तो आज इस आदिवासी क्षेत्र में यह चल रहा है, और कई अधिकारी आए हैं, तो इस तरह से एक तीसरी ताकत जिसको दलाल कहते हैं वो क्या कर रहा है पता है? अधिकारी के घर का कचरा रात का बाहर कूड़ेदान में फेंकता है, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं कि दारू पीता है, कौन सी ढक्कन की दारू पीता है, और वो जाकर के सर्विस करके उस लोगों को पटा लेता है। गरीब कितनी भी एप्लीकेशन लेके जा, वहां फेल हो रहा है, इस तरह से काम हो रहा है, कोई नहीं जानता इस चीज को। तो यहां पर ये जो कुछ चीज हो रही है उसी को देखते हुए मैं यहां पर ये कहूंगा कि जैसा कि हमारे क्या नाम सॉरी वो पटेल साहब, बंदालाल जी डांगी साहब ने जो चीज बताई, हकीकत में आज वही आने वाले टाइम है, क्योंकि नाउ आवर एसीआर विल बी रिटर्न बाय द नेचर। अब न भगवान ने आपके न मेरे किसी के हाथ में, अभी हमने अपनी जो जो एसीआर है जीवन और मृत्यु और उसको कुदरत के हाथ छोड़ दिया। इसलिए मैं अपील करूंगा आपसे कि हम खाना खूब खाएंगे तभी हमारी भूख दूर होगी। ये नहीं हो सकता कि डॉक्टर वेलाराम घोघरा खाना खा ले और हमारे ननवाना जी के पेट भर जाए, हो जाएगा क्या? अरे वेलाराम बढ़िया माल ताल खा ले तो क्या ननवाना जी के पेट भर जाएगा? खाना तो ननवाना जी को ही खाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा कि हमको अपना प्रयास खुद से ही चालू करना होगा। ये बात निकल के पूरी आ रही है, उसमें ये मत समझना पूरे लोग मेरे साथ में नहीं है। शाम जाओगे तो आपकी पत्नी भी पीछे पड़ेगी कि क्या करता था। ये दोनों भूल करके जिस दिन काम पे निकलोगे उस दिन रास्ता निकलेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं दूसरी चीज सीधी सी ये कहना चाह रहा हूं कि जब प्रैक्टिकल काम किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1965 के अनुसार पांचवी अनुसूची आई जिसमें राज्यपाल को 244 के तहत पावर दिया, लेकिन आज तक देश के 10 राज्य जो अनुसूचित क्षेत्र है उन राज्यपालों को विधानमंडल और मुख्यमंत्री ने सिर्फ अंगूठा छाप बना के रखा, जिस पर वजह से आज तक सही माने में पांचवी अनुसूची लागू नहीं हुई। मैं तो आपके माध्यम से जो जमीन का जो मुद्दा है उसके लिए राज्यपाल महोदय को जमीन आदिवासियों के हाथ से न निकले ये पावर दिया है, आज तक इसका उपयोग नहीं किया। अभी ननवाना जी ने स्पष्ट कर दिया कि कानून होते हुए किस तरह से ये सारा मामला हुआ, ये बड़ा सोचनीय बात। अब रहा पैसा कानून की बात, पैसा कानून में जिस समय पैसा कानून पास हो रहा था, आया सामने, शाम को सुबह संसद में मीटिंग होने वाली थी,
और संगमा जी के घर डॉक्टर मुंडा और हम सब लोग बैठे थे और सुबह 5 के 5 मिनट के अंदर ये पैसा कानून लागू हुआ। और पैसा कानून की आत्मा ये है कि आदिवासी क्षेत्र में पालों का सिस्टम था, किसी पाल का एक आदमी किसी दूसरी पाल ने मार दिया तो मारने के बाद में अगर वो सीआरपीसी के तहत जेल में गया तो जेल में जाने के बाद में वापस छूट के घर आया, लेकिन जब तक वो पाल और थले और गांव की राय में पास नहीं होता तब तक नहीं बैठ सकता था। इसमें ये महसूस किया गया कि आदिवासियों की संस्कृति उनकी परंपरागत व्यवस्था अलग है, इसलिए इनको ताकत प्रदान करने के लिए पैसा कानून को लाया गया। आज पैसा कानून आया 1996 में राष्ट्रपति महोदय ने पास किया, 99 में राजस्थान सरकार ने नियम कानून बनाए, 2000 नियम बनाए, आज तक आम लोगों तक की हवा तो बोल छोड़ो, यहाँ भी खुद कह रहे हैं कलेक्टर साहब और फॉरेस्ट वाले पूछ रहे हैं मेरा क्या हाल है, तो आप देखो हमारी किस स्थिति में। तो इस कानून के बनने के बाद मैंने प्रैक्टिकल काम किया, मैं गांव में गया, गांव में फले को इकट्ठा किया और उसमें यह प्रावधान है कि राजस्व गांव की ग्राम सभा की मीटिंग बुला करके उसमें जो फैसला लिया जाएगा वो सही है, लेकिन इसकी अध्यक्षता ग्राम सभा का सरपंच करेगा, सेक्रेटरी ग्राम सभा सचिव होगा। जब मैंने मीटिंग बुलाई और मैंने सचिव को और सरपंच को बोला तो क्या कहा, नहीं नहीं ये तो वेलाराम कर रहा है, इस मीटिंग में हम नहीं आएंगे। क्या आ रहा, आ गया राजनीति आ गई। वीडियो इस पैसा कानून पर लाद दिया है, अगर वीडियो पैसा कानून पर नहीं लदा हो और इसी तरह से ये सचिव और सरपंच वीडियो लदा मतलब पूरा प्रशासन पैसा कानून पर लदा हुआ है, लेकिन फिर भी वेदांता के मामले में खुद मैं नीमगिरी उड़ीसा गया था, उसने जिस तरह से 120 गांवों ने डिसीजन लिया, वेदांता के जो फर्नीचर से कबाड़े हो गए सब वो ताकत आज में, लेकिन वही राजनीति वापस आ गई, उस कानून को खत्म करने की भी साजिश चालू हो गई है। तो मैं यहाँ ज्यादा समय लेकर नहीं देते हुए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अब जैसे शराब मुद्दे के लिए पैसा कानून के तहत गांव पूरा जनरल के लोग और आदिवासी लोग सब इकट्ठे करके मैंने पाल देवल से रैली निकाली, कहां तक, डूंगरपुर, कलेक्टर को ज्ञापन दिया, कलेक्टर ने बोला हम आगे भेज देंगे, तो क्या मतलब निकला, मामला खत्म हो गया। तो मेरे जैसा आदमी आप जैसे हम ये मांग करते हैं कि जब तक पैसा कानून में आबकारी शराब की बंद करने का ताकत ग्राम सभा को दे दिया, यहां तक तो अच्छा है, लेकिन ग्राम सभा को कलेक्टर को एप्लीकेशन देनी पड़ रही है और कलेक्टर आगे कर रहा है, तो क्या विधानसभा में बैठे हुए या जो भी सरकार हो वो क्या आबकारी अधिनियम में इस बात का बदलाव नहीं कर सकती कि जब भी गांव की ग्राम सभा प्रस्ताव लेके आए तो आबकारी अधिनियम में इस आशय की लाइन जोड़ी जाए कि जो ही ग्राम सभा का प्रस्ताव आए वहां तुरंत दारू की दुकान बंद करनी चाहिए। ये विधानसभा में डिसीजन क्यों नहीं ले रहे, क्यों उधर तकलीफ हो रही है। तो ये जो चीजें हैं FRA है, जितने कानून तो बनाए, जैसे BD शर्मा साहब ने एक बात कही थी जब मैं दिल्ली में एक बगीचे में दोनों घूम रहे, अरे वेलाराम ये लेबर कमीशन ने रिपोर्ट तो दे दी लेकिन जो समरी रिपोर्ट होती है वो संसद ने पेश ही नहीं की, इसलिए लेबर कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं है। अंदर की छिपुड़ी चाले इतनी जरूरी है, मगर मच के आंसू दिखाने के अलग अलग है। मतलब अभी तो ये हो रहा है, सभी के लिए कहूंगा मैं तो, चाहे NGO हो, चाहे पार्टियां हो, चाहे नेता हो, चाहे सरकार हो, आदिवासी क्षेत्र में या दिल्ली में या झारखंड में कोई बजट के लिए प्रस्ताव बनता है, NGO का कोई प्रोजेक्ट बनता है या आपके ये कमिश्नर साहब कोई योजना बनाते हैं, तो उसका जो थीम पेपर होता है
उसमें 10 बार आदिवासी शब्द होता है तब उनका प्रोजेक्ट पास होता है, लेकिन उसकी हवा नीचे तक नहीं जाएगी। सच्चाई है जिसको देख रहा हूं। क्यों? तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं उसके लिए एकमात्र रास्ता बचा है मेरे अनुसार कि जानकारी से बड़ा हथियार नहीं है, हमको लोगों के बीच जाना पड़ेगा और लोगों के बीच जाकर के हमको घर घर या थले में जाकर के बात समझानी पड़ेगी, लेकिन समझाते ही आपके ऊपर पॉलिटिकल आएगी। अब मैं ये बता रहा हूं, हम 20-25 साल से हम सब काम करें, बोलो एनजीओ को इस मुद्दे पर एक मत हुए आज तक? जितने मुद्दों पर आज तक बात कर रहे हैं कितने लोग एक साथ रहे, आज अपने आप को घिरे बांध में मैं भी जांच के दूंगा, आप भी जांच के दूंगा। ये उसका मूल कारण यही है जिसकी वजह से जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो एमएलए हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, पहले तो वो जानते ही नहीं है, और अगर मेरे और आप जैसा लोग बताने की कोशिश की तो आपको क्या इनाम मिलेगा वो आप सब जानते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं इन्हीं बातों के साथ में ये निवेदन करूंगा कि पेशा कानून के तहत ट्राइबल कमिश्नर प्रभारी है, लेकिन ट्राइबल कमिश्नर लड़ झगड़ करके अलग जनजाति आयुक्त तो बन भी गया, लेकिन उनको पावर नहीं दिए हैं। ये टीएससी का सेक्रेटरी है, लेकिन सेक्रेटरी साहब से जब मैंने पूछा कि सम्मानीय मीटिंग कब बुला रहे हो, तो जयपुर से निर्देश आएंगे तब देंगे। अरे भाई कहाँ से निर्देश आएंगे, कौन आएगा? और हमारे टीएससी में जो एमएलए हैं वो भी गुटों में बटे हुए हैं, मेरी पद भी चली जाएगी, मेरी पद भी जाएगा, उस बीच के अंदर जिस कानून आए वो कानून का आम भी जवाब नहीं पढ़ना जा रहा है। इसलिए आज हम बहुत अच्छा संवाद है, ऐसी चर्चा चालू रहनी चाहिए, और इस संवाद के साथ साथ एकजुट मुद्दों आधारित हमको कहीं ना कहीं एकजुट होना पड़ेगा। इसी में हमारा सबका जो आपके अंदर का जो जमीर है, कई तरह की तपस्या आप लोग लड़ रहे हैं मैं जानता हूँ, यहाँ पर बहुत बहुत काम कर रहे हैं, कोई आदिवासी गैर आदिवासी का सवाल नहीं है, मतलब जो एनजीओ काम कर रहे हैं, हाँ सब एनजीओ ने कुछ एनजीओ में ज्यादा ही गड़बड़ है देश के अंदर, वो मैंने तो गिनती भी कर ली है, आने वाले टाइम में हम उनका भी उजागर करेंगे। तो हकीकत में हम सबको मिल करके हमारा मिशन मेन होना चाहिए, हमारा मुद्दा मेन होना चाहिए, हमारा जो कानूनी प्रावधान है उसको क्रियान्वित की दिशा में बढ़ना चाहिए। और मेरे यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र से जो कुछ कार्यकर्ता आए हैं, वो आप भी किसी का कुल्हाड़ा हत्ता बनना बंद हो जाओ, तो यहाँ तो कर रहे हो समाज की बात, और जब लोगों का मुद्दा आता है तो वो उसकी वकालत करेगा, वो इसकी वकालत करेगा। सावधान, अब भी वेलाराम तो एक चौकीदार के तरफ फिर से बिना रखे चौकीदार रहता रहूंगा और अपनी बात कहता रहूंगा। मैं आपको शुभकामना देता हूं कि आज का जो कार्यक्रम किया बहुत अच्छा, और हम आगे सब लग जाएंगे। बहुत बहुत आभार, जोहार, नमस्ते।